आए हुए थे आलू सैनी चिकन कॉर्न सूप गोरी कागा पर, तो यहाँ पर जो है बड़ा मशहूर चिकन कॉर्न सूप मिलता है, और उसके अलावा इनके पास चाट वगैरह भी होती है, खट्टा आलू वगैरह भी होती है। यहाँ की आपको चीज़ और गेम दिखाते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, किस तरीके से मिलता है, और सूप के बड़ा कोई कराची का स्पेशल सूप है तो वो दिखाते हैं। आलू सैनी चिकन कॉर्न सूप भूरी काका पर उनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको इंटरव्यू करवाते हैं और पूछते हैं ये कब से खुला हुआ है और ये डेली में क्या टाइमिंग है इसकी, और ये मेरे ख्याल में 12 महीने खुला रहता है तो, और कितने का प्राइस वगैरह भी पूछ के आपको बता दूँ। तो ये हमारे साथ ओनर मौजूद है, तो भाई ये कब से आपने तकरीबन 31 साल हो गए, 31 साल हो गए, और ये वैसे 12 महीने खुलता है। जी हाँ, 12 महीने, ये 12 महीने का सूप है। एक तो होता है सर्दियों में होता है सूप, लेकिन ये जो है ना वो 12 महीने का सूप है, तो ये 12 महीने खुलता है। डेली का रोटेशन का टाइमिंग है शाम 4:30 से रात 12 बजे तक। अच्छा, शाम 4:30 से रात 12 बजे तक। और छोटे प्याले के चिकन वाले की क्या प्राइस है, अंडे वाले की? हमारे पास अंडा चिकन पापड़ 80 रुपये का है, अंडा चिकन सूप 60 रुपये का है, चिकन पापड़ सूप 60 रुपये का है, चिकन सूप 50 रुपये का है, अंडा सूप 50 रुपये का है, पापड़ी सूप 50 रुपये का है, सादा सूप 50 रुपये का है, और सिंगल अंडा 30 रुपये का है, सिर्फ अंडा। अच्छा, तो ये इन्होंने प्राइस बताए हैं, अब मैं इनसे सूप बनवाता हूँ, फिर आपको रिव्यू करके बता दूँ कि सूप कैसा है और क्या गेम्स हैं इनके सूप के। थैंक यू। और हमारे यहाँ कोई स्ट्रीट सूप यही मिलता है, मैम किसी को सूप बेचने देते हैं ना, हम कोई किसी को देते हैं, लोग हमारे नाम से सूप बेचते हैं, ये बोरी का मशहूर सूप है, हम किसी को भी सूप नहीं देते। तो भाई ये इन्होंने एक मैसेज दिया थोड़ा सा छोटा सा, आपने सुन लिया होगा कि ये किसी को भी अपना जो है ना वो ब्रांड नेम शो नहीं कराना है, इनकी ब्रांच एक ही है हैदरी पर, एक ही है ब्रांच। बेहतरीन है सूप, सिर्फ मसालों के अलावा बिल्कुल खादा ही हो रहा था, मनीषा वाला लग रहा है, मसालों के साथ बेहतरीन लग रहा है। और ये रिव्यू था मेरा, बाकी आप अगर जरूर ट्राई करें, देखते हैं ब्लॉग में। थैंक यू।